हेलो दोस्तों, आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। और तैयारियां हमारी भी होने लगी हैं। देखिए, फरा के लिए आटा मैंने निकाल लिया है, ये मेरा पानी खोल रहा है। दाल को मैंने देखिए रात को ही भिगोकर पीस दिया था, और ये हो गया चने का दाल। और कुछ तैयारियां बाकी हैं। हमारे यहाँ तो फरा बनता है करवा चौथ व्रत में, इसलिए सबसे पहले हम फरा बनाएंगे, उसके बाद पूड़ी, सब्जी, दल भरी पूड़ी, जितना भी आपका मन कहे बनाइए। देखते हैं कितना कुछ हम बना पाते हैं, और खीर जरूर बनेगा। देखिए, नमक, जीरा, तैयार है। इधर देखो, पानी ये हमारा बॉयल हो जाएगा तब हम डालेंगे। बस पानी में उबाल, हम गर्म पानी को थोड़ा थोड़ा करके हम ऐसे डालते रहेंगे और इसको ऐसे मिक्स करते रहेंगे, क्योंकि ये गर्म है। इसको धीरे धीरे ऐसे मिक्स करेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे रखेंगे, को भी दिखाया करो बीच बीच में। अच्छा पहने अब नहीं दिख रही है। बनाओ बनाओ बढ़िया से, बना। आगे से कर दिया करो, हम देख लिया करते हैं। तो सबसे आसान काम हो जाएगा, सबसे मुश्किल काम होता है फरा बनाना, और सबसे ज्यादा टाइम इसी में लगता है। अभी मैं आटा ही गूंथ रही हूँ, कितना 2 बज गया है। कितना अच्छा आटा तैयार हुआ है। देखिए, आटा मेरा तैयार हो गया है, और ये देखिए बहुत गीला ये ना रहेगा और ना बहुत हार्ड रहेगा। ऐसे छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे, और ये देखिए ऐसे हाथ में चलिए अब इसको चलते हैं पानी में बॉयल करें। पानी में नहीं, मतलब भाप में। ये मेरा भगोना रखा है, ये भगोने में रखेंगे। पानी खोल गया है, और इसको ये रख दे रहा हूँ। अब इसको ढक देते हैं ऐसे।